सो एल्कीन के रासायनिक गुणों के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड उपस्थित होगा। तो यहां भी इसके केस में क्या है, यहां एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। असंतृप्त इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। सो इसको देखने से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम लिखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में दो कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये चार इलेक्ट्रॉन इसको एल्कीन को एल्केन की तुलना में क्या कर देते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी कर देते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, अब जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर कौन आकर के अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर अटैक करेगा आकर के न्यूक्लियो, सॉरी वहां पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस बन गया ना, उस न्यूक्लियस पर आकर के अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, उन जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो उनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल, या हिंदी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, यहां पर इस डबल बॉन्ड पर आकर अटैक करता है। अब ये जो अटैक होगा, इस अटैक में देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो दोनों कार्बन के साथ में, जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो तो क्या होगा, किसी एक कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन स्नेही इसका मतलब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर लेकर के ये जुड़ेगा, तो ये जो कार्बन होगा इस पर किस प्रकार का आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, ठीक है। तो यहां आकर के कोई दूसरी स्पीसी जुड़ेगी। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एडिशन रिएक्शन हो रही है, और ये जो एडिशन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन किस टाइप की है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है। तो जो योग अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडिशन रिएक्शन कौन सी है और क्या है एडिशन रिएक्शन। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन का मतलब हो गया वो अभिक्रियाएं जिनमें की एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, और उनके ब्रेक होने के बाद में वहां पर किसी एक छोटे मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए एडिशन रिएक्शंस बेसिकली तीन प्रकार की होंगी, कौन कौन से तीन प्रकार हैं। एक पहला जो प्रकार होगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करता है कहां पर, ये इस डबल बॉन्ड पर, मतलब इसका जो टारगेट है वो क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसका टारगेट है। तो इस प्रोसेस के बाद में, इस स्टेप के बाद में यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा आवेश था, प्लस आवेश था। अब ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे
तो इलेक्ट्रोफाइल का आवेश तो क्या हो गया, गायब हो गया, इलेक्ट्रोफाइल पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्टिंग हुई है, उन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई है इधर इस इलेक्ट्रोफाइल की ओर। तो इस कार्बन को जो कि पहले डबल बॉन्ड में भागीदार था, उसको क्या मिला, उसके पास से तो इलेक्ट्रॉन गए, उसको कुछ नहीं मिला, तो इसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल था, ये किसी न किसी जो दूसरा समूह रहा होगा उसके साथ जुड़ा रहा होगा, क्योंकि कार्बनिक अभिक्रिया में जब ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है या जब आयोनाइजेशन होगा, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोनों टाइप की स्पीसीज बनती है। जैसे मान लो कि H2O है, वो क्या हो रहा हो, आयोनाइज हो रहा हो, तो H+ और OH- बनाएगा। इसी प्रकार से HBr यदि आयोनाइज हो रहा है तो वो H+ एवं Br- बनाता है। तो ये एक तो हमने बात कर ली, इसके H+ के जुड़ने की तो हमने बात कर ली। अब जो दूसरी स्पीसी बची उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां आकर के ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एडिशन हुआ वो तो दोनों का हुआ है, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा है और इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। फर्स्ट स्टेप में कौन जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा। और सेकंड स्टेप में कौन जुड़ा, जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट बच गया इलेक्ट्रोफाइल से अलग होने के बाद में, वो जुड़ा है सेकंड स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जिसका एडिशन होगा उसी के बेसिस पर हम अभिक्रिया का नाम देंगे। सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो आपका जो एल्कीन है, एल्काइन, ये जनरली किस प्रकार की अभिक्रिया देती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से, जैसे एल्डिहाइड हो गया आपका, कीटोन, ये क्या करेंगे, ये देते हैं नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया में आप समझ गए होंगे कि पहले किसका एडिशन होगा, पहले एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। देखो इसमें ये जो आपका जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी ये कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ किसकी तरफ हो रहेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगी। तो ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज और कार्बन होगा वो स्लाइटली आंशिक रूप से धनावेशित और ये आंशिक रूप से ऋणावेशित। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना होगा तो कहां पर आकर के होगा वो अटैक, वो अटैक होगा इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर। तो देखो ये अपना बन गया एक इंटरमीडिएट, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है और ये है ओ, इस ओ के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में जो पॉजिटिव स्पीसी आपकी होगी, ठीक है, आप उसको E+ लिखो या कुछ और लिखो, वो आकर के कहाँ पर जुड़ जाएगी, वो जुड़ जाएगी इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ भी दोनों जुड़े हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों जुड़े हैं, परंतु पहले कौन जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। तीसरा जो टाइप है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योग अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक योग अभिक्रिया में क्या होगा, मुक्त मूलक का एडिशन होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ही स्टेप में क्या होना होता है, मुक्त मूलक जुड़ता है, तो आप कहीं पर भी इसको जोड़ दो। यहां पर चूंकि हम सिंबॉलिक ले रहे हैं ये एल्कीन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने में, लेकिन जब एक्चुअल एल्कीन लेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार की एल्कीन है, उसी के अनुसार उसको जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स और यहां पर आपका जुड़ गया वाई। तो ये तीन प्रकार की
एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि हमको एल्किन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है ना। और जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पर मार्कोनिकोफ का नियम पढ़ेंगे। मार्कोनिकोफ के नियम के साथ साथ हमको क्या करना है, वहां पर जो परोक्साइड इफेक्ट है जिसको कि खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ लॉ भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। वो उसमें जो उसके थ्रू जो एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू होगा, मुक्त मूलक योग अभिक्रिया वहां पर होती है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो कि मैंने आपके सामने आपको योग अभिक्रिया समझाने के लिए लिखी है। सो अब चलो हम बात करते हैं अपनी एल्कीन की योग अभिक्रियाओं की। सो एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया, मतलब जिनसे हम पहचान सकें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस हैं। ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलेंगे अभिलाक्षणिक रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिलाक्षणिक रासायनिक अभिक्रिया किसकी, एल्कीन की। कौन सी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया है, वो क्या है एल्कीन की किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एल्कीन की अभिलाक्षणिक रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब आप इस अभिक्रिया के आधार पर क्या कर सकते हो, इस रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर आप पहचान सकते हो कि ये अभिक्रिया ये किस प्रकार के रासायनिक यौगिक के द्वारा दी जा रही है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। ये मैंने आपके सामने लिखा है एथीन, और एथीन का जब Br2 के साथ में अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले क्या होगा, एक Br जुड़ेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। और चूंकि कार्बोकैटायन तो इसमें बनना ही है, क्यों बनना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होगा तो कार्बोकैटायन यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन या कार्बधन आयन क्या बनता है इस अभिक्रिया के दौरान, इंटरमीडिएट बनता है। इससे पहले भी हमने बात की थी, इससे पहले वाला जो स्लाइड थी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है करके, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद में एक जो कार्बन रहेगा डबल बॉन्ड का, एक कार्बन पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, दूसरा जो कार्बन रहेगा उस कार्बन पर किस प्रकार का आवेश आता है, उस पर आता है धनावेश। ठीक है, तो ये धनावेशित है इसलिए ये क्या हो गया, कार्बधनायन। और इस कार्बधनायन, ये कार्बधनायन क्या है, इस अभिक्रिया के दौरान बनने वाला इंटरमीडिएट है। अब इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि कार्बधनायन बनता ही है इस अभिक्रिया में, तो इसको प्रमाणित करने का तरीका ये है कि जब हम इसकी एथीन की या कोई भी एल्कीन की ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया करवाएं तो उसी रिएक्शन मिक्सचर में क्या लिया जाता है, उसी मिक्सचर में कुछ और सोल्ट ले लिए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है कि एक्वियस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये Na में, Na प्लस और Cl माइनस में। इसी प्रकार से हमने सोडियम आयोडाइड ले लिया तो वो Na प्लस और I माइनस बनाएगा, राइट। इसी प्रकार से इसी रिएक्शन मिक्सचर में मान लो कि NO3 माइनस उपस्थित हो तो क्या होता है कि ये जो कार्बधनायन बनता है, क्योंकि इसको इसके साथ में किसको जुड़ना है, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ना है, तो वो न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस हो, I माइनस हो या NO3 माइनस हो, है ना, कोई भी जुड़ सकता है उस समय। तो ऐसा तो है नहीं कि ये इसके साथ में आकर के एक Br माइनस ही जुड़ेगा, ठीक है, ऐसी कोई यहां पर शर्त तो है नहीं, इसके लिए कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि वो इस प्लस के साथ में केवल Br माइनस ही आकर के जुड़े। तो अभिक्रिया के दौरान यदि
हम इस प्रकार के दूसरे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज इंटरमीडिएट को उपलब्ध करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट भी हमको प्राप्त होते हैं। तो इन प्रोडक्ट का प्राप्त होना ये प्रूव करता है कि अभिक्रिया के दौरान कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इन उत्पादों का बनना द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्रूव दैट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। कार्बधनायन मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट को बोलते हैं मध्यवर्ती, का बनना पुष्ट करता है। ठीक है, इन उत्पादों का बनना, तो कार्बधनायन अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसमें एक जो क्या बोल सकते हैं आप कि इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक बात समझ में आती है कि हमारी जो ये अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एवं Br2 के बीच में होने वाली अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमने जो दो अभिकर्मक लिए हैं, एथीन लिया है, ठीक है, और हमने क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है। इन दोनों के केस में आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहां पर इस डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ, कार्बन का, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पर सिंगल बॉन्ड से दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। अब ये तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे है ना दोनों, तो ये एक जैसे है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो कैसा होना चाहिए, होमोलाइटिक होना चाहिए। क्योंकि हेट्रोलाइटिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपके दोनों दोनों जो सहसंयोजक बंध से बंधित परमाणु हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की एक समान है, तो यहां इस बॉन्ड का पोलराइजेशन कैसे हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन की विद्युत ऋणता एक जैसी है, तो इस ये वाला कार्बन भी क्या हो, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो, इसका भी पोलराइजेशन संभव नहीं है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनेगा अभिक्रिया के दौरान या कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है अभिक्रिया के दौरान, ये संभव कैसे है, इस इन इन बंधों का पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करेगा कौन, कैसे इन बंधों का ध्रुवीकरण होगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो समान परमाणुओं से बने हुए सहसंयोजक बंध है। अगर असमान परमाणुओं से ये बंध बनते, अगर असमान परमाणुओं से ये बंध बनते तब तो हम कहते कि हाँ भाई ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलराइजेशन हो गया, इसलिए यहां पर Br+ और Br- बन गया। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है, जो पोलराइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इस डबल बॉन्ड की वजह से, जब ये Br2 इस डबल बॉन्ड के कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, पाई बंध में जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इस कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के जो जो तल होगा उस तल के ऊपर और नीचे वो लोब होती है। आपको आपको हम मैंने लास्ट क्लास में पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो यहाँ जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा, पाई बॉन्ड बनाने में पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पी ऑर्बिटल मिलकर के पाई बंध का निर्माण करेंगे, और पी जो ऑर्बिटल है उनकी जो लोब्स हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं, तो वो उस सिंगा जो सिग्मा बॉन्ड होगा उस सिग्मा बॉन्ड के बंध के तल के ऊपर और नीचे की ओर ओवरलैप करेंगी। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन अभ्रय है वो यहाँ पर इस पेपर के प्लेन के ऊपर की ओर आप मान सकते हो और इसके नीचे की ओर मान सकते हो। तो जब ये कॉन्टेक्ट में आता है, कौन, Br2, जब इसके कॉन्टेक्ट में आता है तब क्या होता है, तब यहां पर इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका इसके पास में रहेगा, जो Br इसके पास में रहेगा उसके ऊपर क्या होगा, आंशिक धनावेश और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश। किसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है, इस बात को समझिएगा, यहां पर विद्युत ऋणता का कोई अंतर नहीं है। जो पोलराइजेशन हुआ है वो किस फैक्टर की वजह से हुआ है, इस इन पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुआ है। तो जब ये पोलराइजेशन होगा, Br
के ऊपर प्लस और माइनस आ गया। फिर उसके बाद में जब आपका ये डबल बॉन्ड इस टाइप से, मैं इसको बना लेता हूं, एक एच ये हो गया, एक एच आपका ये एथीन ही हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। और यहां आकर के आपका जुड़ गया क्या, एक बी आर। चूंकि इस पाई अभ्र से ही आकर्षित हुआ है, तो यहां पर जो अटैचमेंट होगा वो किसके साथ में होगा, वो अटैचमेंट होगा इस पाई इलेक्ट पाई बॉन्ड को बनाने वाला जो आपका ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ में। यहां इसके ऊपर प्लस आवेश और ऊपर वाले के ऊपर क्या हो गया, माइनस आवेश, राइट। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ में जुड़ गए। कौन जुड़ गया, एल्कीन और ब्रोमीन, राइट। अब इसमें क्या हो जाता है, इसके बाद में इस एक बी आर का यहां से निष्कासन हो जाएगा। और ये बन गया आपका बी आर प्लस प्लस बी आर माइनस, ठीक है। सो इसमें, इसके केस में देखिए, ये बी आर इनके साथ में बॉन्ड बना रहा है, देखो दो बॉन्ड बने हुए हैं, है ना। आपको एक हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो सकता है नहीं आ रहा हो, कि बी आर ने तो आकर के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसके ऊपर प्लस आवेश कैसे आ गया, राइट। तो देखिए, एक तरफ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले करके दूसरी तरफ क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे करके यहां पर इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो ये मान ले हम कि कोवेलेंट बॉन्ड इसने बनाया है, इस सी के साथ में इसने मान लो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो दूसरी तरफ इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो सपोज करो कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसने क्या कर लिया, यहां पर फिर से शेयरिंग कर ली और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका तो प्लस, कार्बन का प्लस है वो तो क्या हो गया, हट गया। प्लस किसके ऊपर आ गया, बी आर के ऊपर आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, राइट। क्या बोलेंगे इसको, हम ब्रोमोनियम आयन इसको कहेंगे, राइट। और इस ब्रोमोनियम आयन से उसके बाद में क्या बनता है, कार्बो केटायन बनता है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, राइट। सो अब देखिए, अब मान लो कि इस बी आर माइनस को और ऐड होना हो इसके ऊपर, इस ब्रोमोनियम आयन पर इस बी आर माइनस को ऐड होना हो, तो आप देखेंगे कि जैसे ये मान लो कि इसके ये वाला सी एच है, ये तल के ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर है और ये नीचे की ओर है, तो ये कहां पर जुड़ा हुआ है, ये इस पेपर में इस साइड में जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो फेस होगा, मैं इसको ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, यहां इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, बी आर जुड़ा हुआ है। दूसरा जो हथेली के सामने वाला फेस है वो ओपन है, यहां से अब बी आर माइनस है वो ऊपर से आकर के तो अटैक नहीं कर सकता, है ना, ऊपर से आकर के तो अटैक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ तो बी आर प्लस ऑलरेडी है। तो इसमें जो अटैक होगा, ठीक है, किसका अटैक होगा, जो बी आर माइनस का अटैक होगा वो अटैक किस तरफ से होगा, ये आप लोग देखिए, बी आर माइनस का अटैक कहां से होगा, उस दिशा के विपरीत दिशा से होगा जहां पर कि एक बी आर पहले आकर के जुड़ा है, राइट। इस दिशा से नहीं हो रहा ना, इसके विपरीत दिशा से हो रहा है। मैंने अपने हाथ की हेल्प से आपको बताया भी था कि मान लो कि एक बी आर इधर जुड़ा हुआ है, तो दूसरा बी आर कहां से आएगा, इस तरफ से आएगा, ऑपोजिट साइड से आएगा इसके, राइट। सो इसको हम यहां से किसी एक कार्बन पर, क्योंकि इस यहां पर एथीन है आपका, तो आप किसी एक कार्बन पर इसके अटैक को दिखा सकते हो। मान लो यहां आपने दिखाया, तो ये शिफ्टिंग
यहां पर, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट किस टाइप का होगा, देखिए इस प्रोडक्ट में ये हो गया हमारा एक, अच्छा यहाँ ये बी आर है, चलो इसको मैं दोबारा से बनाता हूं, इसको मैं यहां बनाता हूं, ये हो गया हमारा एच, ये एच, ये एक बी आर, और एक जो बी आर होगा वो यहां जुड़ेगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बी आर टू का एल्कीन पर क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब इस एडिशन में देखिए दोनों बी आर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंटेड हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों बी आर कहां पर हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में ओरिएंटेड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी एडिशन, ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, एंटी एडिशन कहा जाएगा, राइट। सो जो योग अभिक्रिया है ये किसकी, जो हम हेलोजन का एडिशन हमने किया है, हेलोजन की एल्कीन के साथ में योग अभिक्रिया है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो एंटी एडिशन है। मैं यहां पर लिख देता हूं, द एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन इज एन एंटी एडिशन। एंटी एडिशन क्यों है, क्योंकि दोनों हेलोजन एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़ते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिख रहा हूं, जिससे कि आपको दोनों माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको ये बात समझ में आ जाए। सो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, विपरीत अभिक्रिया हो गई। विपरीत अभिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि जो एडिशन है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के एंटी हो रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, हमने अभी तक क्या क्या बातें की, हमने ये बात की कि जो एडिशन रिएक्शन है वो किस प्रकार की, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योग अभिक्रिया है। दूसरा, अभिक्रिया के दौरान कार्बोकेटायन क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तीसरा, इसमें जो एडिशन होगा उसमें पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो पाई बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन्स है। चौथा, अभिक्रिया के दौरान उस समय के लिए ब्रोमोनियम आयन भी बनता है। और पांचवा, अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एंटी एडिशन से उत्पाद बनेगा। यहां तक हमने बात की, अब थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन करते हैं। जैसे देखिए अभी तक हमने जो एडिशन पढ़ा था वो किस पर पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा है एथीन पर। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अब मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, अब मैंने आपके सामने लिख दिया टू मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है, टू मिथाइल ब्यूटेन, ये सीसीआर ट्रांस नहीं होगी, क्योंकि इस कार्बन पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहां पर CH3 CH3, तो कैसे भी आप चेंज करो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, तो इसमें सीस ट्रांस नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें मान लो आप Br2 का एडिशन करवाओ, तो फर्स्ट स्टेप तो अपना अपन जानते ही हैं कि तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आकर के जुड़ जाएगा एक Br+, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन। ये बन गया अपना क्या, ब्रोमोनियम आयन बन गया, राइट, ये बना है।
ब्रोमोनियम आयन। अब ये जो ब्रोमोनियम आयन है, इससे हमको क्या करना है, इस पर हमको अपने बी आर माइनस का अटैक करवाना है, ठीक है। सो बी आर माइनस का अटैक जब आप करवाएंगे, तो देखो दो पॉसिबिलिटी है यहां पर। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये बी आर माइनस या तो इस कार्बन पर अटैक करे या फिर इस कार्बन पर अटैक करे, राइट। तो देखिए यहां पर मैं पहले इस साइड वाले पर करवा देता हूं, ठीक है, इस कार्बन पर मैं करवा देता हूं। तो इस कार्बन पर जब अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, सी बी आर सी एस थ्री और ये सी एस थ्री। यहां पर अपना एक बी आर पहले से जुड़ा हुआ है और ये एच इसके साथ में एक एच और, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसमें आपका बनेगा ये वाला, मतलब ये आपका बी आर। इस बी आर को मैं नए आने वाले बी आर को क्या कर देता हूँ, सर्कल में कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू सर्कल में मैंने इसको कर दिया, ये नया आने वाला बी आर, ये इसके साथ में जुड़ गया। सो यहां पर एच, इस जगह पर एच, ये बी आर शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा और ये सी एस थ्री और एक सी एस थ्री यहां पर, दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया, आपको करके बता दिया, राइट। क्योंकि नया जो जो बाद में आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो तो दोनों उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब ये जो उत्पाद बने हैं, इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों उत्पादों को बनाने वाले कार्बोकैटायन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके केस में क्या होगा, जो कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट केस में, जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा होगा, वो ये वाला कार्बोकैटायन होगा, राइट। कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। और सेकंड केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा होगा, देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तृतीयक कार्बधनायन है, राइट, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हम लोग अपनी आई थिंक फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, पहली यूनिट में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब देखिए अभिक्रिया है वो उसी तरफ बढ़ती है जिस तरफ की ज्यादा स्थायी उत्पाद बन रहे हो या ज्यादा स्थायी इंटरमीडिएट आपका बन रहा हो। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के दौरान यदि इस न्यूक्लियोफाइल का, इस बी आर माइनस का अटैक यहां पर इस कार्बन पर होता है, तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो 3 डिग्री बनता है, मतलब स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा, और इस तरफ होगा तो क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसलिए जो मुख्य उत्पाद इस अभिक्रिया के दौरान बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये मुख्य उत्पाद क्यों है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मुख्य उत्पाद है क्योंकि इसके बनने के दौरान अधिक स्थायी, मोर स्टेबल मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनता है,
सिंपल सी बात है। अधिक स्थाई क्या बनेगा इसमें? इंटरमीडिएट बनेगा। तो आपको ये वाली बात है समझ में आ गई होगी कि क्यों यहां पर अटैक हुआ। अब इसी के आधार पर अपना एक नियम है जिसको कहा जाता है मार्कोनिकोफ का नियम। ठीक है, कौन सा नियम है वो? वो नियम क्या कहलाता है? वो कहलाता है मार्कोनिकोफ का नियम। आप समझ गए होंगे कि ये नियम जो है वो किससे संबंधित है। मार्कोनिकोफ का जो नियम है वो नियम यहां पर इस प्रकार की जो अनसिमेट्रिकल असममित एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होंगी? एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होंगी? एसिमेट्रिकल एल्कीन वो एल्कीन होंगी जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में, ठीक है, एक ही प्रकार के समूह नहीं जुड़े हुए हों। जैसे कि आपने देखा कि यहां पर एक कार्बन के साथ में दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं और दूसरे कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? दो हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की जो एल्कीन होंगी वो क्या कहलाती है? वो एल्कीन कहलाती है एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो हम अब बात करते हैं मार्कोनिकोफ नियम रूल। मार्कोनिकोफ्स रूल ये क्या है? मार्कोनिकोफ का रूल क्या है? इसको हिंदी में हम लिखते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ का नियम, मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर योग अभिक्रिया होती है, जब किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन रिएक्शन होती है, तो अटैक करने वाले रिएजेंट का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग, या उसको हम कहें कि धनात्मक भाग, एल्कीन के डबल बॉन्ड से बंधे हुए उस कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है जिस पर की प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है। ठीक है, जिस पर की प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होगी? कम होगी, वहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार असममित एल्कीनों में अटैक को हिंदी में बोलेंगे प्रहार, प्रहार करने वाले अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको आप बोल सकते हो धनात्मक भाग, इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग एल्कीन के उस कार्बन, डबल बॉन्ड वाला होगा ये याद रखना, द्विबंध से बंधित उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो। ठीक है, क्या कहता है ये नियम? इंग्लिश में भी इसको लिख लेते हैं, दिस रूल स्टेट दैट ड्यूरिंग द एडिशन रिएक्शन इन asymmetric alkenes the electrophilic
और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड विद लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मार्कोनिकोव का नियम है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नियम है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। देखो ये क्या है, प्रोपीन। इस प्रोपीन पर मान लो आपको किसका एडिशन करना हो, आपको एडिशन करना हो HX का, राइट? क्योंकि अगर हम BR2 का एडिशन करेंगे तो दोनों में BR BR है, इसलिए वो कोई भी कहीं पर जुड़े कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। बट HX से हमको समझ में आ जाएगा HX क्या बनाएगा, H प्लस और X माइनस। तो इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का वह भाग जो कि क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, धनावेशित बनाता है। तो धनावेशित कौन बनाएगा इसमें, H प्लस बनाएगा, धनावेशित भाग H प्लस बनेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर की प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो। देखो इस कार्बन पर कितने प्रतिस्थापी हैं, मतलब यहां पर तो हाइड्रोजन ये कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं, और इस कार्बन पर कितने प्रतिस्थापी हैं, यहां पर एक मिथाइल समूह एक प्रतिस्थापी है। तो लीस्ट या न्यूनतम प्रतिस्थापित कौन हुआ, ये कार्बन हुआ। तो नया आने वाला हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन ही एच प्लस होगा ना, इसमें इसमें कार्बोकैटायन जो सॉरी इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन बनेगा, एच प्लस ही बनेगा। तो वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, और एक्स कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं यहां पर और समझा देता हूं आपको कि देखिए मैं अब एक उत्पाद बना लेता हूं वो जिसमें कि एच किसके साथ में जुड़े, इस कार्बन के साथ में, मोर सब्स्टिट्यूटेड के साथ में आकर के आपका क्या जुड़ गया, एच जुड़ गया। तो देखिए जब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखेंगे तो यहां पर किस प्रकार का कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर इसके केस में बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट? और इसके केस में कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोधनाइन कैसा बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, और यहां पर कौन सा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। और आप जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्थायी है किसी की तुलना में, 1 डिग्री की तुलना में। इसलिए ये जो उत्पाद होगा ये यहां पर मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट होगा और ये मोर अमाउंट में बनता है। ये क्या होगा, यहां पर मुख्य उत्पाद नहीं होगा और ये कम अमाउंट में बनेगा। तो ये जो नियम है ये नियम कहलाता है, किसका नियम, मार्कोनी कोफ का नियम। मार्कोनी कोफ का जो नियम है वो हमको असममित एल्कीनों में, जैसे आपके पास में हो ये वाली एल्कीन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो अब इसमें आप HX जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर भी H जोड़ दो किधर भी X जोड़ दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। लेकिन मान लो कि आपके पास में इसकी जगह पर, इस ब्यूटीन की जगह पर ये वाली ब्यूटीन हो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो अब आपको जब HX को जोड़ना होगा तब आप देखेंगे कौन सा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, तो HCH2 है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, और यहां पर इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा सिंपल वर्ड्स में यहां पर मैं लिख देता हूं कि एल्कीन में योग अभिक्रिया के दौरान एच, जहां पर एच उपलब्ध होगा उसकी बात में, जैसे HBr हो गया आपका, H2O हो गया, इनकी अगर अपन बात करें तो एच या हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन उपलब्ध हो, ठीक है, पहले से कितने हाइड्रोजन हो, ज्यादा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो।
सो इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स हाइड्रोजन गेट अटैच्ड टू टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगी उस पर वो जुड़ जाएगा। तो जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr के साथ में आपकी रिएक्शन करवानी हो आपको, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास में, CH2 के पास में, तो यहां CH3 हो गया और ये हो गया आपका Br, ये बन गया उत्पाद। तो ये इतना सिंपल सा है मार्कोनिकोव का नियम, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जो आपके एल्किल है, ये जो HX है, ठीक है, हेलो एसिड्स हैं आपके, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें HI सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, HBr उससे कम और HCl सबसे धीरे रिएक्शन देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर अभिक्रिया के दौरान HX बंद है वो डिसोसिएट होता है ना, HI बंद हो गया, HBr या HCl बंद है वो डिसोसिएट होता है, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम इसके लिए है 71.0 किलो कैलोरी है, इसके लिए ये मान है 87 और इसके लिए मान है 103.0 किलो कैलोरी, तीनों के तीनों किसमें है, किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी में। ठीक है, ये क्या है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, राइट। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HI के केस में सबसे कम है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव आप बोल सकते हो टुवर्ड्स दिस एडिशन रिएक्शन, और ये इसके लिए ये एनर्जी ज्यादा, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। HCl क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, और आपका HI क्या है, यहां पर मोर रिएक्टिव है। आप इस बात को आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी इसकी बात, आपके इसकी हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात हो गई, हमने कार्बोकैटायन की बात कर ली। तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो तो आप जानते हैं, 3 degree इज मोर स्टेबल देन 1 degree मोर स्टेबल देन 3 degree मोर स्टेबल देन 2 degree एंड 2 degree मोर स्टेबल देन 1 degree। ठीक है, तो जहां पर जो ज्यादा स्थायी होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होती है। ठीक है, उतनी क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इसकी हेल्प से समझ लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं, मार्कोनिकोव को के नियम को। ये हो गया मार्कोनी कोव्स रूल। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, देखो हम उसी रिएक्शन की बात करेंगे जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी रिएक्शन, प्रोपीन की रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, स्थितिज ऊर्जा, और ये एडिशन किसका हो रहा है, हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एडिशन करवा रहे हैं, किसके साथ में, HX के साथ में। तो दो प्रकार के हमको यहां पर कार्बो कैटायन बन मिलते हैं, एक मिलता है प्राइमरी CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है, प्लस X माइनस,
और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है आपका टर्सरी, ये है CH3CH3 प्लस एक्स माइनस। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देख करके भी समझ पा रहे होंगे कि जो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर है, वो यहाँ इसमें रिएक्शंस को नाम दे देता हूँ। ये रिएक्शन हो गई आपकी 1 नंबर और ये वाली रिएक्शन हो गई 2 नंबर। तो 2 नंबर रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसको मैं दे देता हूं नंबर 2 और ये हो गई नंबर 1, ई एक्टिवेशन। सो ई एक्टिवेशन एक्टिवेशन 1 इज ग्रेटर देन ई एक्टिवेशन 2। तो अभिक्रिया उस पथ को चुनती है जहां पर कि एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो। इसलिए इस आप जो ऊर्जा आरेख है इस अभिक्रिया को, उसके आधार पर भी समझ सकते हो कि क्यों यहां पर जो हमारा उत्पाद है वो 2-हेलो प्रोपेन बनता है ना। यहाँ पर जुड़ेगा ना करके हेलोजन, तो ये 2-हेलो प्रोपेन हमारा इस अभिक्रिया के दौरान बनता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो, राइट। तो हमने अभी तक बात की है एडिशन रिएक्शंस की, मार्कोनिकोफ के बारे में भी बात कर ली। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। अब जो अपनी अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लोग